गो का पास्ट पार्टिसिपल होता है गौन एंड बीन भी हम इक्वली यूज़ करते हैं गौन हम तब कहते हैं अगर कोई जा चुका है एंड वो वापस नहीं आया है उसके लिए हम गॉन यूज करते हैं एंड बीन का इस्तेमाल तब करते हैं जब हमारी ट्रिप कंप्लीट हो चुकी है मतलब कोई गया है और वो वापस आ चुका है देन वी यूज बीन एग्जांपल सेंटेंसेस इशिता हैज बीन टू द पार्क एंड शी अराइव टेन मिनट्स अगो मतलब कि इशिता अभी पार्क गई थी आ गई दस मिनट पहले ऐसा हमें कहना है अगर हम ऐसा कर रहे हैं इशिता हैज़ गॉन टू पार्क एंड शी विल बी बैक सुन मतलब कि इशिता अभी पार्क गई हुई है यहाँ नहीं है वो थोड़ी देर में वापस आ जाएगी तो ये हमारा डिफरेंस है यू तो ये चीज़ें इनफॉर्मल इंग्लिश में हम इंटरचेंजबली यूज कर सकते हैं बट समाइम्स आप इन्हें इंटरचेंजबली नहीं यूज कर सकते हैं लाइक like अगर मैं आ, ऐसा कहूँ कि आ, मैं अभी इंडिया में हूँ मैं चाइना कभी गई हुई हूँ ऐसा मुझे बताना है तो मुझे यहाँ ये कहना हो कि आई हैिन टू चाइना मतलब मैं कभी गई थी अभी तो इंडिया में हूं मैं ये नहीं कह सकती आई हैव गॉन टू चाइना ये तो अब बिल्कुल एबसर्ड सेंटेंस है मतलब कि ये हो ही नहीं सकता ना आई हैव गॉन टू चाइना मैं तो यहाँ हूँ इसी तरह एक नेक्स्ट एग्जाम्पल है वेयर हैज फातिमा बिन मतलब कि फातिमा कहीं नहीं थी कुछ टाइम के लिए बट अभी वो यहाँ है हमें पता नहीं है कि वो कहाँ गई हुई थी बट अभी तो वो यही है वेयर इज़ फातिमा बिन अगर हम ये कह रहे हैं कि वेयर इज़ फातिमा गॉन मतलब कि फातिमा यहाँ पे नहीं है वो कहाँ चली गई है हम ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो ये होता है हमारे बिन और गॉन का डिफरेंस